पांच छह दिन तक तमाशा जो चलता रहा आपके सुप्रीम कोर्ट में, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो जज होता, मैं कहता इसमें क्या बहस करनी है भाई, हद हो गई। आप क्या, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तमाशा हो रहा है, डांस हो रहा है, सर्कस हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मानिए या मत मानिए, इसमें क्या बहस कर सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि सब पैसा नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज ऑल नॉनसेंस, बिना वजह ये सब एक्सक्यूजेस हैं, फ्रिवोलस एक्सक्यूजेस हैं। ऑफ पाकिस्तान दे रिगार्ड इमरान खान टू बी एन ऑनेस्ट मैन। ये कोर्ट का काम नहीं है कि दोनों पार्टीज को समझाओ, कोर्ट का काम है कि जिसके हक में फैसला होना है उसके हक में फैसला दो। एट प्रेजेंट आपकी जुडिशरी बहुत सही परफॉर्म कर रही है, एंड आई एम हैट्स ऑफ टू योर चीफ जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। भारत से साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मार्कंडेय कारचू साहब ने हमें ज्वाइन किया। जस्टिस साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जस्टिस साहब, हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, आप ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और आप इस फैसले के हवाले से ये कह रहे हैं कि ये पांच मिनट का फैसला था जिसके ऊपर पाकिस्तान की जुडिशरी ने काफी टाइम लिया। देखिए, इसमें बहस की गुंजाइश क्या थी? आर्टिकल 224 क्लॉज 2 साफ साफ कहता है कि प्रोविंशियल असेंबली के डिसोल्यूशन के विद इन 90 डेज चुनाव होने हैं। ये बिल्कुल वेरी क्लियर प्रोविजन, इसमें क्या बहस ये पांच छह दिन तक तमाशा जो चलता रहा आपके सुप्रीम कोर्ट में, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो जज होता, मैं कहता इसमें क्या बहस करनी है भाई। ये प्रोविजन है आर्टिकल 224 क्लॉज 2 एंड इट इज वेरी क्लियर, और उसको फॉलो होना है भाई। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मानिए या मत मानिए, अगर आप कह रहे हैं कि मानते हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से चलना है। इसमें क्या बहस कर सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि सब पैसा नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज ऑल नॉनसेंस, बिना वजह ये सब एक्सक्यूजेस हैं, फ्रिवोलस एक्सक्यूजेस हैं। बिकॉज पीडीएम जानती है कि वो बुरी तरह हारेगी भाई। पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान इज गॉन अप टू आई बिलीव 70-75%, जो मैंने ओपिनियन पोल से देखा। तो लिहाजा ये पीडीएम तो वाइप आउट हो जाएगी पंजाब में, जो पीएमएलएन का गढ़ है पंजाब, इट विल बी वाइप्ड आउट। बिकॉज पीपल, देखिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान दे रिगार्ड इमरान खान टू बी एन ऑनेस्ट मैन। पहले सर थोड़ा सा ओपिनियन दीजिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर जो डिटेल में बहस हुई है, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए और फिर जुडिशरी के अंदर एक स्प्लिट और डिवाइड नजर आया, उससे क्या तासुर गया जो आपने भी ऑब्जर्व किया हो या दुनिया भर में? देखिए, डिवाइड क्या हो सकता भाई, आर्टिकल 224 क्लॉज 2 इज वेरी क्लियर, इसमें क्या डिवाइड हो सकता है भाई। या तो फॉलो होना है वो प्रोविजन या नहीं फॉलो होना है, क्या क्या स्कोप है डिवाइड होने का, बहस का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पांच छह दिन तक बिल्कुल तमाशा चलता रहा आपके सुप्रीम कोर्ट में, जो पांच मिनट में सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड हैव सेड कि भाई ये प्रोविजन है, वी दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। और इसमें कहना क्या है भाई, डिवाइड होना। आपको जस्टिस साहब फिर क्या महसूस हुआ, शायद आपको वहां से होकर सर ज्यादा पता चल रहा हो, आपको क्या महसूस हुआ कि फिर क्यों जुडिशरी ये पांच मिनट में फैसला नहीं कर सकी? करना चाहिए था भाई, बिला वजह। असली में देखिए हुआ क्या, आपके सुप्रीम कोर्ट तो एक थोड़ा सा जैसे कोर्ट को बना दिए हैं पॉलिटिकल फोरम या मीडिएशन सेंटर या जिरगा, जैसे अफगानिस्तान में चलता है कि भाई दोनों पार्टीज को समझाओ। ये कोर्ट का काम नहीं है कि दोनों पार्टीज को समझाओ, कोर्ट का काम है कि जिसके हक में फैसला होना है उसके हक में फैसला दो। ये कहना है कि दोनों पार्टीज को भाई आपस में बात करें और वो डिफेंस सेक्रेटरी को बुला लिया और फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला लिया, ये सब तमाशा बिला वजह अननेसेसरी था। इसमें कोई स्कोप ही नहीं, देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ग्यूमेंट्स व्हेन द प्रोविजन इज वेरी क्लियर। क्या रखा क्या है इसमें भाई? मगर आपके सुप्रीम कोर्ट वो नेतागिरी कर रही थी कि भाई पार्टीज आपस में बात करें और समझो, ये क्या काम है कोर्ट का? जब पार्टीज में देयर नो स्कोप फॉर कमिंग टू अग्रीमेंट, जो कि पीडीएम चाहती है कि चुनाव ना हो और पीटीआई चाहती है चुनाव होए, अब आप फैसला करिए कि क्या क्या सही है। ये क्या कि दोनों पार्टीज बैठे हैं आपस में सलाह मशवरा करें, ये सब फिजूल की बातें हैं।
और बिला वजह टाइम बर्बाद किया 5-6 दिन तक आपके सुप्रीम कोर्ट ने, 5 मिनट का मामला था। मैं तो ये सब नॉनसेंस। और उसके बाद सर जाहिर है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर भी था, पीडीएम जाहिर बात बात उनके खिलाफ बयान दे रही थी, एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। तो उसके बाद जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही फैसला है भाई, चुनाव होना है। बल्कि वो देखिए आपके यहाँ पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी शायद 18 जनवरी को, जहां तक मुझे मालूम, या 14 जनवरी या 18 जनवरी। अगर 18 जनवरी को हुई थी तो 18 अप्रैल तक चुनाव होने थे। चलिए कुछ दिन डिले हो गया, मगर अब 14 मई रखी है, वो सही रखी है। अब ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो डेट फिक्स करना फॉर इलेक्शन, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, ये एक ऑब्जेक्शन हो रहा है। मगर देखिए आपके सवाल है, इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी उस पर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता, उसने अंडर प्रेशर अक्टूबर तक चुनाव एडजर्न कर दिया, तो उस पर कोई रिलायंस प्लेस नहीं की जा सकती। और आपके देखिए, अगर आप अपना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, मेरे सामने है कंप्यूटर पे, उसमें आर्टिकल 187 है जो कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू सच डायरेक्शंस ऑर्डर्स और डिक्रीज एज मे बी नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। तो इट कैन नॉट ओनली इशू डिक्रीज, इट कैन इशू ऑर्डर्स और डायरेक्शन टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो कंप्लीट जस्टिस ये है कि चुनाव जल्दी होना है आर्टिकल 224 क्लॉज 2 के वजह से। तो ये कहना कि इलेक्शन पिटिशन, इलेक्शन कमीशन डेट फिक्स करे, सुप्रीम कोर्ट ना करे, ये फिर अगेन देन इट इज गिविंग द मैटर टू द इलेक्शन कमीशन विच इज अनरिलायबल। यू कैनॉट डिपेंड ऑन द इलेक्शन कमीशन फॉर फिक्सिंग डेट्स बिकॉज दे हैव प्रूव दैट दे आर दे गो बाय द प्रेशर ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। तो उन्होंने अक्टूबर को एडजर्न कर दिया, कैसे हो सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन? हद हो गई आपके यहाँ तो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तमाशा हो रहा है, एक डांस हो रहा है, सर्कस हो रहा है, क्या हो रहा है? इज दिस द वे अ कोर्ट शुड बिहेव? आपने आपने एक कॉलम भी लिखा और उस कॉलम में आपने लिखा कि जो पीडीएम के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो गुंडा गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप मानेंगे नहीं फैसला कोर्ट, देखिए जैसे फॉर टू गिव एन एग्जाम्पल, कोई मानिए फुटबॉल मैच है, अगर रेफरी ने पेनल्टी अवॉर्ड कर दी तो क्या एक टीम कह सकती हम नहीं मानेंगे आपका फैसला? या मानिए लाइन्समैन ने किसी प्लेयर को ऑफसाइड डिक्लेयर कर दिया तो क्या वो टीम कह सकती कि नहीं ऑफसाइड नहीं है? अरे देयर हैज टू बी सम फोरम हुज वर्डिक्ट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी, वरना तो केओस आ जाएगा। देखिए ये जुडिशरी का आप जानते हैं काम क्या है, दुनिया भर में ऑलवेज इन हिस्ट्री इन एवरी कंट्री देयर हैज बीन अ जुडिशरी। और जुडिशरी का काम क्या है? काम ये है कि देखिए इट इज इन द नेचर ऑफ थिंग्स दैट इन एवरी सोसाइटी एवरी कंट्री देयर विल बी सम डिस्प्यूट्स बिटवीन द पीपल, सो देयर हैज टू बी अ फोरम फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दोज डिस्प्यूट्स, अदरवाइज द डिस्प्यूट्स और वायलेंटली बाय नाइव्स एंड गन्स एंड स्वॉर्ड्स। तो लिहाजा अब देखिए दोनों पार्टी आते हैं कोर्ट के सामने, तो उनको सुना जाता है और फिर कोर्ट एक फैसला देता है। अब वो फैसला दोनों का होगा, ये थोड़ी कि जो हार गई पार्टी को कहेगी हम नहीं मानेंगे। ये तो तमाशा हो गया। जैसे कि मानिए आई रिमेम्बर बचपन में शतरंज खेलते थे, तो जो हार रहा था वो सारा वो चेस बोर्ड उठा के फेंक दिया उसने। ये क्या इज द वे टू बिहेव? बच्चों जैसा बिहेवियर कि हम नहीं मानेंगे? अरे भाई अदालत की बात नहीं मानोगे तो केओस जंगल राज आ जाएगा भाई। उस पर मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है, आपने शायद मेरे फेसबुक पेज पे देखा होगा, कि बिल्कुल जिसे नोन एज मत्स्य न्याय, हमारे संस्कृत में मत्स्य का मतलब मछली, कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यही हालत हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा अगर कोर्ट के फैसले नहीं माने जाएंगे। ये तो बिल्कुल जैसे काटू साहब, शायद सर यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं हो सकी, क्योंकि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ गठजोड़ करके सिर्फ अपने मुफादात को देखती है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखती। सर देखिए आपके यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये पार्टीज में डिफरेंसेस होंगे, कोई रूलिंग पार्टी होगी, कोई ऑपोजिशन पार्टी, मगर जब मामला अदालत में जाएगा तो बोथ रूलिंग पार्टीज एंड ऑपोजिशन पार्टी मस्ट एक्सेप्ट दैट जजमेंट, वरना बताइए फिर तो फिर वायलेंस होगा ना, फिर तो झगड़े हैं, वो तो फिर बंदूक और तलवार के दम पे होंगे। सर मरियम नवाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान की प्राइम पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ये जो तीन जस्टिसेस हैं, मुअज्जज जजेस हैं, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये पीटीआई जजेस हैं। ये तो जो हार जाता है ना वो कहता है चीटिंग हो रही है। जब बचपन में आपको याद होगा, आप भी बच्चे रहे होंगे कभी, जो हार जाता था वो कहता था आप चीटिंग कर रहे हैं। ये कोई बात हुई कि जजेस, और क्या कहा जजेस ने? जजेस ने सिर्फ ये कहा कि आर्टिकल 224 क्लॉज 2 फॉलो करो। ये इसमें क्या क्या उन्होंने बेमानी करी बताइए? ये मरियम नवाज इसका जवाब दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224 क्लॉज 2 इज अ वेरी क्लियर प्रोविजन, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड इन 90 डेज ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ असेंबली। इसमें हाउ कैन यू से दैट द जजेस वर बायस्ड? क्या पीडीएम के लोगों के ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगती है जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह से कह रहे फैसला नहीं मानेंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड पीडीएम गवर्नमेंट शुड बी डिसमिस्ड। जैसे आपको याद होगा यूसुफ रजा जिलानी से उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सादे को अमीन नहीं है, उनको डिसमिस कर दिया। तो उसी तरह पीडीएम गवर्नमेंट शुड बी डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर वो नहीं कहेगी हम नहीं मानेंगे तो दे शुड बी सैक्ड, जैसे यूसुफ रजा जिलानी को निकाला गया था। काफी सब वजह सर, क्या आपको क्या समझ आ रही है सर? पाकिस्तान की जब जुडिशरी के सामने कोई इतने बड़ी नोयत का फैसला जाता है या सो मोटो लेती है, पाकिस्तान की अदालत क्या प्रेशर में काम करती है या ये एक आजाद अदलिया के तौर पर काम करती है, या शायद पाकिस्तान में मुश्किल है काम करना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। द जुडिशरी शुड एक्ट अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेशर और नो प्रेशर। ये तो कोई बात नहीं हुई कि साहब हम पे प्रेशर है इसलिए हम गलत फैसला देंगे। या अब ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव अ जजमेंट विच इज एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबिलिटी कैनॉट बी द ग्राउंड फॉर गिविंग अ जजमेंट, कि जब तक ये एक्सेप्टेबल ना हो फैसला नहीं हो, तब तो भाई देखिए कोई फैसला ही नहीं हो सकेगा। जो हारेगा वो कहेगा कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई, आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे आप हारें चाहे जीते। भाई कोई तो न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, अंपायर एक रेफरी नहीं होता है मैच में। जस्टिस साहब एक और ओपिनियन ब्राय मेहरबानी दीजिएगा, इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई तो इमरान खान ने कहा कि बंदूक को खरीदा गया यहाँ पर पाकिस्तान में, और फिर एक अमेरिकन प्रेशर था, रिजीम चेंज हुई है पाकिस्तान में इंटरनेशनली, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब पॉलिटिकल मामले हैं, मैं लीगल बात कर रहा हूँ आपसे कि अब तो पुरानी बात हो गई, अब लीगली पोजिशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, यू हैव टू होल्ड इलेक्शन विद इन 90 डेज ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली। तो लिहाजा इस पर लीगल बात करिए, पॉलिटिकल बातें करने से कोई फायदा नहीं। जैसे साहब पाकिस्तान की जुडिशरी और भारत की जुडिशरी में फर्क क्या है? देखिए दोनों जुडिशरी में ने कभी अच्छा परफॉर्म किया, कभी गलत परफॉर्म किया। एट प्रेजेंट आपकी जुडिशरी बहुत सही परफॉर्म कर रही है, एंड आई एम हैट्स ऑफ टू योर चीफ जस्टिस, ही हैज टेकन अ वेरी फर्म स्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी फॉलोड। सही, एक जमाना था जब आपकी जुडिशरी गलत फैसले दे रही थी, जैसे मार्शल लॉ को उन्होंने अपहोल्ड कर दिया बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आपको याद होगा जस्टिस मुनीर का पहला फैसला था, और ये सब जो कि बिल्कुल एक फर्जी डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो आप और वो भुट्टो को फांसी दे दी, तो आपके जुडिशरी के कई ब्लैक जजमेंट्स भी हुए हैं, मगर एट प्रेजेंट जो आपके चीफ जस्टिस हैं, ही हैज एक्टेड वेरी करेक्टली, ही सेड वी विल गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज राइट। वरना तो देखिए कुछ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकेगा, देयर बी टोटल केओस और सिविल वॉर हो जाएगी। आप अदालत के फैसले नहीं मानेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा, टोटल केओस आ जाएगा। जस्टिस काटचू साहब, सर आप रेगुलरली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, लीगल मैटर्स को फॉलो कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल करते हैं। देखिए मैम, मैंने आपको बता दी, मैंने कई आर्टिकल लिखे, मैं इंडिया और पाकिस्तान को एक मुल्क मानता हूँ, मैं ये पार्टीशन को बिल्कुल फर्जी मानता हूँ, और हम लोग वी आर बाउंड टू रीयूनाइट वन डे, सो आई रिगार्ड पाकिस्तान एंड इंडिया एज वन कंट्री, तो लिहाजा मैं पाकिस्तान को भी फॉलो करता हूँ डेवलपमेंट, क्योंकि आई रिगार्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। भाई मुगलों के जमाने से हम लोग एक थे, ये तो पार्टीशन अंग्रेजों का फ्रॉड हुआ था हम लोग को कमजोर करने के लिए और हम लोग को आपस में लड़वाने के लिए, तो लिहाजा इसलिए मैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट फॉलो करता हूँ, क्योंकि आई रिगार्ड देम टू बी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, आई डोंट रिगार्ड पाकिस्तान इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। राजू साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू सो मच।